नमस्कार, नीलिमा साइंस में आप सबका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ वसंत पंचमी पर फलाहारी पोटैटो केसरी हलवा। फटाफट 2 मिनट में बनने वाला स्वादिष्ट हलवा। आज के दिन पीले कपड़े पीला जो भी बनाए खाने में सरस्वती जी को बहुत प्रिय है। आप भी ज़रूर बनाएं और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। कढ़ाई गर्म हो गई है। 1 बड़ा चम्मच घी डालकर ड्राई फ्रूट भूनेंगे। सभी ड्राई फ्रूट ले लिए, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं कम या ज़्यादा। दरदरे कर लिए हैं, भुन चुके हैं, निकाल लेते हैं। 2 बड़े चम्मच घी डालेंगे। 2 उबले हुए आलू हाथ से मेश कर लिए हैं। 1 भी गुठली नहीं रहे, इसका खास ख्याल रखें। ग्राम में कहें तो आलू 210 ग्राम है। धीमी आंच पर लगातार चलाते जाएं ब्राउन होने तक। ये देखिए भुन गया है, निकाल लेते हैं। इसी कढ़ाई में दूध डालेंगे। दूध में ही केसर की डंडियां डाल दी थी, शक्कर डालेंगे। चाशनी नहीं बनाना है, सिर्फ शुगर मेल्ट करना है। 2-3 पीसी इलायची डालेंगे। 1 चुटकी खाने का केसरी कलर डालेंगे। आप डालना चाहे तो डालें, स्किप भी कर सकते हैं। कलर वाला वीडियो ले नहीं पाए, सॉरी। घी में भुने हुए आलू डालकर लगातार चलाएंगे। ड्राई फ्रूट्स आधे डालेंगे, आधे गार्निश के लिए रखेंगे। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। हलवा बनकर तैयार हो गया है, डिश में निकाल लेते हैं। ड्राई फ्रूट डालकर डेसिकेटेड कोकोनट डालेंगे ऊपर से। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।